हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन सिनेमा। आज हम प्रॉब्लम नंबर 12 को डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, प्रॉब्लम नंबर 12 में वही वाला प्रॉब्लम है जो कि प्रॉब्लम नंबर 11 में हमने काम किया था। हमने प्रॉब्लम नंबर 11 में जब एक बॉल को एक लड़के ने थ्रो की, वो बॉल ऊपर, तो वो बॉल क्या हुई, ऊपर जाके रुक गई और फिर वो वहां से नीचे आती है, तो हमें टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट उसका निकालना था। इस न्यूमेरिकल में भी हमें टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। अच्छा, ये तो हमें काम करना है, इसके साथ हमें हाइट भी निकालनी है कि उसकी हाइट कितनी है, टोटल हाइट। अच्छा, इसको मैं जल्दी से सॉल्व करूंगा क्योंकि ये हम पहले भी कर चुके हैं और ये थोड़ा इजी हो जाएगा हमारे लिए। तो मैं इसका डाटा जल्दी से उतार देता हूँ आपके पास। डाटा क्या है कि जब बॉल को वो थ्रो करेगा तो उसकी इनिशियल स्पीड कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड। अपवर्ड के लिए जी को मैं क्या लूंगा, माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये तीन काम हमारे पीछे वाले हैं। वी आई कितना है 20, जी कितना है माइनस का 10, और वी एफ कितना है 0। यहां से मैं क्या निकाल लूंगा, इसका टाइम। ठीक है, टाइम को मैं इसको T1 बोल दूं, मैं इसको यहां से T1 निकाल लूंगा। जो T1 होगा वही T2 होगा, तो T1 बराबर है T2 के, और T1 कितना है, T1 किसके लिए है, T1 है अपवर्ड के लिए। जब बॉल को या स्टोन को हमने अपवर्ड फेंका उसके लिए ये T1 है, और डाउनवर्ड के लिए क्या होगा, T2। तो ये दोनों टाइम क्या है, आपस में बराबर है। ठीक है, जितना टाइम इसको ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम इसको नीचे आने में लगेगा। लेकिन इस पार्ट में एक नई चीज उसने मांग ली हमसे, नई चीज क्या मांग ली, हाइट। हमें हाइट निकालनी पड़ेगी। अच्छा, उस प्रॉब्लम में डाउनवर्ड मोशन में जाने के लिए मुझे हाइट दरकार थी, मैंने हाइट वहां पे निकाली थी, तो मैं यहाँ पे भी वही काम रिपीट करूंगा। यहाँ पे क्या निकाल लूंगा, उसकी दोबारा से हाइट निकाल लूंगा। अच्छा, तो डेटा क्या बनेगा, डेटा बनेगा वी आई 20 मीटर पर सेकेंड, जी माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वी एफ है 0 मीटर पर सेकेंड, मुझे यहां से क्या निकालना है, टाइम। ठीक है, टाइम क्या निकालना है, टोटल टाइम। टोटल टाइम और हाइट, ठीक है, दो चीजें निकालनी है, टोटल टाइम और हाइट, ये दो चीजें मुझे यहां से फाइंड आउट करनी है। तो सॉल्यूशन क्या बनेगा, टोटल टाइम निकालने के लिए मुझे पहले एक सिंगल टाइम निकालना पड़ेगा किसी भी एक मोशन का। तो मैं अपवर्ड मोशन को कंसीडर कर रहा हूं, ये कौन सी मोशन है, अपवर्ड मोशन, अपवर्ड मोशन, ये है अपवर्ड मोशन। यहां से मैं क्या निकालूंगा, पहले एक अपना आधा टाइम जो कि बॉडी को नीचे से ऊपर जाने में लग रहा है, तो वो कहां से निकलेगा, वो पहली इक्वेशन से मैं निकाल लूंगा। पहली इक्वेशन है वी एफ बराबर है वी आई प्लस जी टी के, यहां से टाइम किसके बराबर हो जाएगा, वी एफ माइनस वी आई और डिवाइडेड बाय जी, किसका लेता हूं मैं, माइनस का 10। सॉल्व करेंगे, वी एफ कितना है 0, वी आई कितना है माइनस का 20, और जी कितना है माइनस का 10। माइनस 20 डिवाइडेड बाय माइनस का 10, जब इसको सॉल्व किया तो क्या आंसर आया, 2, पॉजिटिव 2। तो ये T1 था, इसको मैं क्या कह रहा था कि ये T1 है। तो T1 कितना आया, 2 सेकेंड। जब T1 2 सेकेंड है तो T2 मेरा क्या होगा, T2 भी 2 सेकेंड का होगा, और T2 कितना हुआ, T1 टोटल टाइम हो गया T1 प्लस T2। T1 2 है तो T2 भी कितना होगा, 2। ये कितना हो गया, 4 सेकेंड का। टाइम कितना आ रहा है, 4 सेकेंड। टाइम मैंने निकाल लिया इसमें 4 सेकेंड। ठीक है, टाइम को निकाल लिया, एक काम मैंने यहाँ पे कर लिया।
अच्छा अब दूसरे काम के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उसको रब करके इसकी ये हाइट निकालनी पड़ेगी मुझे। अब मैं इसको रब करता हूँ, यहाँ पे काटना है वीडियो को, ठीक है, यहाँ पे बैठा। अच्छा जी, अब हम इसमें देख सकते हैं कि हमें हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, टोटल टाइम जो कि कितना है 4 सेकंड का। सिंगल टाइम कितना है, यहाँ से बॉल को ऊपर जाने के लिए 2 सेकंड लग रहे हैं, और टोटल टाइम है 4 सेकंड का। मुझे यहाँ पे हाइट निकालनी है इसकी, तो हाइट निकालने के लिए मैं ये सारा जो मेरा डाटा है मैं इसको अगर पुट कर दूँ अपनी तीसरी इक्वेशन में या दूसरी इक्वेशन में, मैं किसी में पुट कर दूँ, मैं यहाँ पे तीसरी इक्वेशन में पुट करूंगा, आप इसको सेकंड इक्वेशन में पुट करें, तो हम दोनों का आंसर क्या आ रहा होगा, सेम आ रहा होगा। तो मैं इसको हाइट निकालने के लिए तीसरी इक्वेशन में जाऊंगा, तो वहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला इसकी इक्वेशन क्या है, 2as बराबर है वी एफ स्क्वायर माइनस का वी आई स्क्वायर। अब a की जगह मैं क्या यूज कर रहा हूँ, g, क्योंकि ये डाउनवर्ड और अपवर्ड मोशन है, एक्सिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाले को यूज करेंगे। अच्छा अब इसमें क्या होगा, वैल्यूज पुट करेंगे और हमें यहाँ से क्या फाइंड आउट कर लेंगे हम, s, s को मैं क्या बोलता हूँ, मैं हाइट बोलता हूँ, ठीक है, वी एफ स्क्वायर माइनस का वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। अच्छा वी एफ कितना है, 0 का स्क्वायर माइनस वी आई कितना है, 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और g कितना है, माइनस का 10 माइनस का 400 डिवाइडेड बाय माइनस का 20, 2 अंदर 2, 2 4 2, 2 4, तो ये आंसर आया 20, 20 मीटर। हाइट कितनी आ गई, 20 मीटर, ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो गया, 20 मीटर की हाइट आ गई। मुझे पता चल गया कि बॉल ने ऊपर जाने के लिए, यहां से ऊपर जाने के लिए कितनी हाइट ली, 20 मीटर की हाइट ली, ठीक है, कितनी हाइट है उसकी, 20 मीटर की। अब यही 20 मीटर से वो क्या होगी, डाउनवर्ड की तरफ आएगी। अच्छा उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और आप इसको लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। थैंक यू।